तो वीडियो के शुरू में ही पहले आप ये देख लो कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। लियो दास इज अ बैड एस। तो अगर तुम ऐसे वीडियोस बनाकर डालोगे YouTube पर तो YouTube बोलेगा मैं बारिश कर दूं पैसों की ये वीडियो जो हो जाए मेरी। चलो अब मैं आपको कुछ चैनल दिखाता हूँ, इन सबको जरा ध्यान से देखना। सीने देसी नाम का एक चैनल है जिसपे 2.77 मिलियन यानी कि 22,77,000 इसके सब्सक्राइबर है और 6,000 से भी ज्यादा वीडियोस इसने यूट्यूब पर डाल दिया है। तो जरा सोच के देखो इसकी कमाई कितनी होगी। और रोजाना के कम से कम ये 3 वीडियो अपने चैनल पर तो पक्का डालती है। इसी तरह आप यहाँ पर टायरॉन मैग्नस नाम का एक चैनल देख सकती हो जिसके पास 1.96 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 19,60,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर इसके चैनल पर है। और भैया ने तो गजब कर दिया, सीधे 11,000 से भी ज्यादा वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में 30 मिनट तक का भी टाइम नहीं लगता, आप खुद इसके वीडियोस को चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आप माया फ्लेक्स नाम का और एक चैनल देख सकते हो, ये भी वही काम करता है, दिन के 3 से 4 वीडियोस रोजाना अपलोड करता है। और इन सब को छोड़ो, आपने इस बंदे को तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शॉर्ट या फिर बड़े वीडियो में जरूर देखा होगा। ये वही पीजे एक्सप्लेन्ड वाले भैया है जो कि मूवी रिव्यूज के ऊपर वीडियो डालते हैं। और उसी के साथ बगल में ट्रेलर रिएक्शन वाले चैनल का भी साइड बिजनेस चलाते हैं। पता नहीं कितने पैसे की भूख है भैया इनको। और यहाँ पे जैसा कि आप इनके देख सकते हो लाखों में व्यूज आते हैं। और वो सब छोड़ो और अभी तो रुको, जरा ये भी देखो, माजे लीव नाम का ये एक चैनल है जो कि बस कुछ ही महीने पहले स्टार्ट हुआ है और 600 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करके ये 2,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला है। ये मोहित वर्ष नाम का और एक चैनल है, इसको भी जरा आप अच्छे से देखो, ये भी डेली के 2-3 वीडियोस अपलोड करता है। इसके अलावा शुभम कुमार नाम के इस चैनल को देखो, दोस्ती का तो असली फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया है। और ये सब तो बस कुछ भी नहीं है, अगर आप यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे ट्रेलर रिएक्शन वीडियोस तो आपको ऐसे कई सारे चैनल मिल जाएंगे जो कि ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देकर महीने के लाखों व्यूज और पैसे छाप रहे हैं। लेकिन सब ठीक है, पर अगर हम ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे तो क्या हमें कॉपीराइट नहीं आएगा? तो मान लो कि अगर आप एक फिल्म बनाते हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि पूरे इंडिया में वो फिल्म जो है पॉपुलर हो जाए। तो अगर कोई बंदा आपके मूवी के ऊपर ट्रेलर रिएक्शन देता है अपने चैनल पे तो यहाँ पे फ्री फोकट में आपका प्रमोशन हो रहा है। क्या आप जाके फिर भी उस बंदे को कॉपीराइट स्ट्राइक दोगे? भैया कोई पागल भी ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि फायदा उसमें जो है मूवी वाले का भी बहुत हो रहा है, इसीलिए किसी भी रिएक्शन चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर एक ही ट्रेलर इतने सारे चैनल पे आ रहे हैं तो उसपे रीयूज्ड कंटेंट आना तो भाई नॉर्मल बात है, तो उस चीज से हम कैसे बच सकते हैं? तो यही तो आज के हमारे इस वीडियो का जलवा है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे चैनल आप कैसे बना सकते हो, वीडियोस को पूरा शूट करके एडिट करके उससे जो है अपलोड कैसे करना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें कैसे लगानी है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बस ध्यान से देखते रहो। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। मैं दूसरों की तरह बस आपको आइडिया नहीं देता बल्कि उस पे कंप्लीट एक वीडियो बना के आपको सिखा भी देता हूँ कि आप वो काम कैसे कर सकते हो। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर 20 मिनट का वीडियो देखकर आप कुछ कमाना सीख रहे हो, कोई चीजों का ज्ञान ले रहे हो तो उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और वो चीज कर लेगा। स्टेप 1, सर्च फॉर मूवीज एंड वॉच। तो आपको यूट्यूब पर कई सारे प्रोडक्शन हाउस के चैनल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर रोजाना किसी न किसी मूवी का ट्रेलर वगैरह आता रहता है, जैसे कि टी सीरीज, जियो स्टूडियोस, सोनी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शन, ये सारे चैनल्स पे भी ट्रेलर आते रहते हैं। इसके अलावा और भी चैनल्स को आपको जुगाड़ कर लेना है और जो भी ट्रेलर आएगा सबसे पहले उसे अच्छे से देख लेना है। नंबर 2, स्क्रिप्टेड और नॉन स्क्रिप्टेड। मान लो कि कोई अगर ट्रेलर आया है उसे आपने देख के रखा है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट भी रिएक्शन दोगे तब भी वो बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। लेकिन अगर आप पैसे कमाने के लिए काम करते हो तो हर चीज आपको प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ता है, इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं पहले तो वो पूरा ट्रेलर देख लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख लेते हैं
कि कौन से जगह पे कौन सा डायलॉग बोलना है और कैसा रिएक्शन देना है। जिसके बाद जैसे जैसे वीडियो चलती रहती है वो अपना रिएक्शन देते रहते हैं और बोलते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, क्या आप अभी कभी 900 रुपए कमाना चाहते हो? बहुत ही अच्छा मौका है, बार बार नहीं मिलेगा। एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको दो टास्क मिलेंगे, ठीक है ना, एक HDFC स्काई नाम का और एक मिल जाएगा आपको अपस्टॉक नाम का। इन दोनों में 450 रुपए करके मिल रहा है। अगर दोनों को कंप्लीट करोगे 900 रुपए हो जाएगा। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट करोगे ना तो मुझे भी 50 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। जब जब आप टास्क कंप्लीट करोगे मुझे 50 रुपए मिलेगा। तो इसी तरह अपने घर में जितने भी फोन है हर एक फोन में से आप 900 रुपए कमा सकते हो। करना क्या है कि अगर आपके पास पहले से ये एप्लीकेशन फोन में होगा तो उसे अनइंस्टॉल कर देना, क्योंकि पुराने वाले एप्लीकेशन के अंदर ये टास्क कंप्लीट होने के बावजूद पैसे नहीं दे रही। तो आपको क्या करना है, नया अकाउंट बनाना है। आपको पहले वाला अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो डिलीट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आपको मेरा प्रोमो कोड मिलेगा, उसके थ्रू आपको अकाउंट बनाना है। कंपनी के साथ मेरी बात हो गई है, जो भी मेरे अकाउंट से मेरे लिंक से जाके अकाउंट बना के इस ऑफर को कंप्लीट करेंगे उन सभी का पैसा 5 से 6 दिनों के अंदर सीधे उनके अकाउंट में आ जाएगा। 5-6 दिन मैक्सिमम लगते हैं, 2 दिन में काम हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन लग सकते हैं। और किसी का भी पेमेंट कट नहीं होगा, मतलब पहले अगर आप कभी भी करोगे अपने अकाउंट से करोगे तो हो सकता है कि करने के बाद भी आपका पेमेंट कट हो जाए क्योंकि कंपनी वाले को पता नहीं चलता अच्छे से। लेकिन मेरे लिंक के थ्रू जितने भी लोग जाके इस टास्क को कंप्लीट करेंगे हर एक टास्क को कंपनी खुद बैठ के यहाँ पे ट्रैक करेगी, और अगर आप सही से टास्क कर लेते हो सीधे पैसा आपके अकाउंट में। करना क्या है, बस अकाउंट ओपन करना है बेसिक डिटेल्स वगैरह डाल के, तो जल्दी जाके कर लो और जितना भी पैसा आएगा सीधे आप अपने पेटीएम अकाउंट, बैंक अकाउंट, जहां चाहे उसे ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई अकाउंट में। स्टेप 3, रिएक्शन। अब रिएक्शन हो सके तो आप अकेले भी दे सकते हो, किसी दोस्त के साथ भी दे सकते हो, या फिर अपने पूरे फैमिली के साथ भी दे सकते हो। अगर आप दोस्त या फैमिली के साथ कर रहे हो तो इतना स्क्रिप्ट लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट रिएक्शन दे सकते हो, अच्छा होता है। लेकिन अगर आप अकेले दे रहे हो तो कम से कम आप स्क्रिप्ट लिख लेना, अगर वीडियो अच्छा होता है तो व्यूज भी ज्यादा आते हैं। बस आपको एक फोन लेकर अपने चेहरे के ऊपर माउंट करके लगा देना है अपने रिएक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरा फोन आपको नीचे कहीं पर रख देना है और उसमें उस वीडियो को चालू कर देना है, ट्रेलर को। अब जैसे जैसे ट्रेलर चलता रहेगा उसके ऊपर आप अपना रिएक्शन देते रहोगे। लेकिन हमें एक सेटिंग करना पड़ेगा, वीडियो रिएक्शन कंप्लीट करने से पहले एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को आपको इंस्टॉल करके अपने फोन में चालू करके रख देना है और उसके बाद ट्रेलर को देखना है और उस पे रिएक्शन देना है, ताकि जब जब आप उस वीडियो को रोकोगे तो उस स्क्रीन रिकॉर्डर पे वो रिकॉर्ड होता जाएगा। इससे होगा ये कि जब आप एडिट करने बैठोगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपने रोक के कौन सा डायलॉग बोला था। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा तो एडिटिंग के टाइम आप पूरा का पूरा समझ जाओगे। लेकिन अगर आप बड़े लोगों की रिएक्शन वीडियोस देखोगे तो आप देख पाओगे कि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जैसे कि भैया इस मूवी में तो ऋतिक रोशन ने बहुत ही मस्त बॉडी बनाई है, या फिर ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में तो इंडियन आर्मी का कोई ना कोई खतरनाक मिशन दिखाया जाएगा, या फिर इस मूवी को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी मूवी या तो लव या फिर ड्रामा के ऊपर बनी हुई है। और ये सारी चीज आप देखते रहोगे और कैमरा में देख देख कर बोलोगे वीडियो को स्टॉप कर करके, और हमेशा अपने ऑडियो को किसी और मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना माइक लगाकर। स्टेप 4, एडिटिंग। एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। अगर मोबाइल में करना चाहते हो तो काइनमास्टर, कैपकट, इनशॉट नाम के कुछ एप्लीकेशंस हैं। इन सारी चीजों में आप कर सकते हो। बस यहाँ पर जो आपने अपने थोपड़े का वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे लगा दो, नीचे आपने ऑडियो को लगा दो और उसको कट कर लेना और फालतू की जितनी भी चीजें हैं उन सबको डिलीट कर देना। हाँ, और एक चीज की कट करने से पहले ऊपर जो हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था उसे भी आपको लगा देना है और उसके बाद तीनों को मिला के एक साथ कट करना है। अब ये चीज हम कैसे मैच करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे देख के हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे हमने वीडियो रोका था और कहाँ पे कौन से डायलॉग बोले थे, क्योंकि सारी चीजें ऑडियो और फुटेज उसमें रिकॉर्ड हो चुका है। उसी हिसाब से हम ट्रेलर को कट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली जगहों पे लगा देंगे, और जहां पर भी हमने ट्रेलर को स्टॉप किया था वहां पे बस हम जो है उस ट्रेलर के एंड वाले पार्ट का फोटो स्क्रीनशॉट लेके लगा देंगे। और जितना अच्छा आप एडिटिंग करोगे उतना ज्यादा आपके वीडियोस पे व्यूज आएगा। हो सके तो आप ऑटो कैप्शन लगा सकते हो,
या फिर अपने बैकग्राउंड में बड़े बड़े टेक्स्ट लगा सकते हो। और भी कई सारी एडिटिंग होती है, अगर आपको पहले से आता है तो आप बहुत ही अच्छे से वीडियो बना लोगे। वरना मैं जितना आपको सिखाया उतना भी काफी है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते जाना। जितनी अच्छी चीजें बनाओगे उतना ज्यादा आपका चैनल आगे बढ़ेगा। स्टेप 5, थंबनेल। तो देखो, अगर वीडियो में आपको व्यूज चाहिए तो सबसे बड़ी चीज होती है थंबनेल। थंबनेल आप कई तरीके से बना सकते हो। तो मैं तो कहूंगा पीछे आप जो है जो भी मूवी का रिएक्शन दे रहे हो उसका ट्रेलर का फोटो लगा दो, उसके ऊपर अपने रिएक्शन वाले चेहरे को लगा दो, नीचे आपको बस रिएक्शन लिख देना है और उस मूवी का नाम लिख देना है, और इसके बाद ट्रेलर का जो है एक स्क्रीनशॉट लेके आपको नीचे भी चिपका देना है कि आप इस पे रिएक्शन दे रहे हो, और अब हो गया आपका वायरल होने वाला थंबनेल तैयार। लेकिन और एक चीज बाकी है, इस थंबनेल को हम ले जाएंगे स्नैपसीड नाम के एक एप्लीकेशन में। यहाँ पे बस आपको फोर्थ नंबर पे पॉपअप फिल्टर नाम का एक चीज देखने को मिलेगा। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे थंबनेल आपका और निखर के आपके सामने चला आएगा और भी ज्यादा मस्त लगेगा दिखने में। स्टेप 6, अपलोड एंड पब्लिश। तो सबसे पहले आपको जो है अपने चैनल के कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। आपको क्या करना है, नीचे सेटिंग्स का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे चैनल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। कंट्री वगैरह सेलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कीवर्ड जो दिख रहा है इस पे आपको कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है मूवीज, मूवी रिव्यू, ट्रेलर, रिएक्शन, रिएक्शन वीडियो, फिल्म, बॉलीवुड, साउथ, हिंदी। इसी तरह आप साउथ मूवी, बॉलीवुड, हिंदी मूवी, इस तरह से कुछ कुछ टैग्स डाल लेना। यहाँ पे जितने भी लिमिट है, 500 तक का लिमिट है, आप 400 तक डालना, उससे ज्यादा मत डालना, ठीक है ना। कुछ कुछ टैग्स यहाँ पे ऐड कर देना। इसके बाद आप जैसे वीडियो को अपलोड पे लगाओगे सबसे पहले यहाँ पे टाइटल पूछेगा आपको। मान लो कि मैं यहाँ पे जो है KGF मूवी जो है अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी KGF मूवी का ट्रेलर का रिएक्शन अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको टाइटल कुछ इस तरह लिखना है। सबसे पहले मूवी का नाम, उसके बाद ट्रेलर, रिएक्शन इस तरह से लिख दोगे, और उसके बाद एक कोई सा भी छोटा सा कॉमेंट लिख देना है, जैसे कि इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया आज का ये रिएक्शन देखकर, ऐसा कुछ लिख देना है। उसके बाद आपको लास्ट में अपने चैनल का नाम लिखना है। इससे क्या होगा, हर वीडियो में जब आप चैनल का नाम लिखते हो तो कोई अगर एक आपका वीडियो देख रहा है, कोई एक इंसान, तो आपके बाकी वीडियोस भी YouTube उसे दिखाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो आपको ऊपर कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग डाल देना है, उसके बाद एक डिस्क्लाइमर नोट जरूर से डाल देना। ये डिस्क्लाइमर नोट क्या है कि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं ये जो ओरिजिनल कॉन्टेंट है ये किसी और का है, हम इस पे बस रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, सारे राइट्स ओरिजिनल ओनर को जाते हैं। नीचे देख सकते हो पीजे एक्सप्लेन के तरफ से मैंने जो है एक वो कॉपी किया है। यहाँ पे द पीजे एक्सप्लेन के जगह बस आपको अपने चैनल का नाम डालना है, जैसे कि देख सकते हो मेरा द आकाश बाइट नाम है, यहाँ पे ये नाम डाल देना, और थोड़े बहुत चेंजेस आप करके इसे जो है डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हो, ताकि आपको कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ का भी इशू नहीं होगा और ना ही यूट्यूब की तरफ से कभी कोई इशू होगा। बाकी जहां तक टैग्स वगैरह की बात है तो टैग्स में आपको हमेशा जो है ज्यादा टैग्स नहीं डालना है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टैग्स डालते हैं, बहुत सारा टैग नहीं डालना है, आपको बस कुछ छोटे मोटे टैग्स आपको ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3-4 टैग डाले हैं, KGF 2, KGF रिएक्शन, KGF ट्रेलर, तो ये सारे रिएक्शन वीडियो, ट्रेलर, रिएक्शन। आप कुछ और टैग ऐड कर लेना, कम से कम 10 टैग यहाँ पे ऐड कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई ट्रेंडिंग मूवी के ऊपर अपना वीडियो डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा, बस 2-4 टैग डालने की जरूरत होती है, ताकि YouTube को पता चले कि हाँ हमारा वीडियो इस चीज के ऊपर बना हुआ है, बाकी वो ऑटोमेटिकली उसे वायरल कर देता है। तो भैया जितना मैंने आपको करके दिखाया ना, YouTube पर आपको कोई और करके नहीं दिखाएगा। लेकिन जरा सोच के देखो कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कोई सपोर्ट ना करे तो आपको कैसा लगेगा। जैसे आप वीडियो डालते हो, आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आता तो आपको कैसा लगता है। बाकी भैया सच कहूं तो मेरे पास 7-8 YouTube चैनल है जहां से मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूं। मैं भी चाहता हूं कि आपका कम से कम एक चैनल तो हो, मेरे वीडियोस देख के आप कुछ तो सीखो, ताकि अपना चैनल बना के कभी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो बोलोगे कि हाँ भैया आकाश भाई का चैनल देखा था, कभी ना कभी तो वो काम में आ गया। तो जाओ ट्राई करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।